देश भर में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए दो चरणों के मतदान हो चुके हैं और पांच चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। चुनाव से पहले ही एक तरफ मोदी सरकार ने अब की बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार का नारा दिया था, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन भी हर हाल में देश की सत्ता पाना चाहती है। इस बार मिशन 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है ये तो 4 जून तक पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर बीजेपी ने इस चुनाव में 400 का टारगेट फिक्स किया है तो उसे अचीव करने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अप्रैल का महीना खत्म होने जा रहा है और मई से पहले जहां देश में गर्मी बढ़ती जा रही है तो वहीं लोकसभा चुनाव के चलते सियासी गर्मी भी चरम पर पहुंच चुकी है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी जीत के लिए एक बड़ा टारगेट सेट कर रखा है। मोदी सरकार न सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है बल्कि इस चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का भी दम भर रही है। लेकिन क्या 400 सीटें जीतना इतना आसान काम है? शायद नहीं, लेकिन इससे पहले ये संभव जरूर हुआ है। इससे पहले 5 बार कांग्रेस इसे अंजाम दे चुकी है, लेकिन बीजेपी ने आज तक ये जादुई आंकड़ा नहीं छुआ है। बीजेपी को अगर 400 सीटें जीतनी है तो उसे लोकसभा की 543 सीटों में से कम 68% सीटें जीतनी होगी। अब आसान भाषा में समझें तो बीजेपी को हर 3 में से 2 सीटें जीतनी होंगी। अब ऐसा हो सकता है या नहीं, इसे समझने के लिए देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हुए चुनावों पर हमने डीप रिसर्च करने की कोशिश की तो पाया कि अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस कुल 5 बार 68% या उससे ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है। साल 1951 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने 488 में से 364 सीटें जीतते हुए 74% सीटें अपने नाम की थी। 1957 में कांग्रेस ने 494 में से 371 सीटें जीतकर 75% सीटें अपने नाम की थी। वहीं 1962 में 494 में से 361 सीटें जीतकर 73% सीटें कांग्रेस ने जीतकर अपने नाम कर ली थी। 1971 की अगर बात करें तो 1971 में 518 में से 352 सीटें जीतते हुए 68% सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी। 1984 में 541 में से 414 सीटें यानी कि 76% सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो दावा किया जाता है कि उन 5 चुनावों में कांग्रेस के 75 से 80% उम्मीदवार जीते थे। बात करें ताज़ा चुनावी समीकरणों की तो इस बार बीजेपी कांग्रेस का पुराना इतिहास दोहराने के लिए 68% से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए अपने 432 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। उम्मीदवारों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 370 सीटें हासिल करने के लिए 86% का स्ट्राइक रेट चाहिए, यानी हर 10 उम्मीदवारों में से 9 को जीतना ही होगा। हालांकि राजनीति में ऐसी सोच नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि देश के हर जोन, हर राज्य और हर इलाके के सामाजिक और राजनीतिक पहलू अलग अलग हैं। यहां तक कि लोगों का वोटिंग पैटर्न भी डिफरेंट होता है। अब आपको देश को 5 जोन में बांटते हुए बताते हैं कि अगर अलग अलग जोन में कांग्रेस ने 370 सीटें जीती थी तो उतनी ही सीटें लाने के लिए बीजेपी को किस तरह का गणित बिठाना होगा। बात उत्तर भारत की, मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के लिहाज से कांग्रेस ने जब भी 370 या इससे ज्यादा सीटें हासिल की थी तब उसे अकेले उत्तर भारत में ही कम से कम 174 सीटें लानी पड़ी थी। ऐसे में अगर बीजेपी को भी 370 सीटें हासिल करनी है तो उसे भी नॉर्थ में कम से कम 174 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी, जिसके लिए बीजेपी ने उत्तर भारत में 206 उम्मीदवार उतारे हैं। इन 206 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी को 85% स्ट्राइक रेट से जीतना होगा। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में बीजेपी ने नॉर्थ से 208 उम्मीदवार उतारे थे। उस वक्त 87% स्ट्राइक रेट के साथ 183 सीटें जीती थी। इसका मतलब 2024 के महामुकाबले में बीजेपी के आगे अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है अपनी मौजूदा सीटें बचाने की। अब बात पूर्वी भारत की, देश के इस हिस्से में कांग्रेस ने जब भी 68% सीटें जीती थी तब पूर्वी भारत में कम से कम 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस हिसाब से बीजेपी को यहां 29 सीटें जीतनी ही होंगी, जिसके लिए बीजेपी ने ईस्ट जोन में 63 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब अगर बीजेपी को यहां से 29 सीटें जीतनी है तो उसे कम से कम 46% के स्ट्राइक रेट से चुनाव लड़ना होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 63 उम्मीदवार उतारकर 41% के स्ट्राइक रेट से 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
मतलब साफ है, बीजेपी को पूर्वी भारत में थोड़ा और जोर लगाना होगा। अगर बात दक्षिण भारत की करें तो दक्षिण भारत में कांग्रेस को जब भी 370 या इससे ज्यादा सीटें मिली थी, तब उसने यहां से कम 71 सीटें जीती थी। इस हिसाब से अगर बीजेपी भी 370 का टारगेट लेकर चल रही है तो उसे भी 71 सीटों पर जीत दर्ज करनी ही होगी, जिसके लिए बीजेपी ने दक्षिण भारत में 89 उम्मीदवार उतारे हैं। इस एरिया में 71 सीटें जीतने के लिए बीजेपी को 80% के स्ट्राइक रेट से परफॉर्म करना होगा। अब बात पश्चिमी भारत की, तो पश्चिमी भारत में मौजूदा लोकसभा सीटों के लिहाज से कांग्रेस को जब यहां 370 या उससे ज्यादा सीटें मिली थी, तब उसे पश्चिम भारत में करीब 42 सीटें लानी पड़ी थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 370 के लिए बीजेपी को पश्चिमी भारत में भी 42 सीटें जीतनी होंगी, जिसके लिए बीजेपी ने 56 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 42 सीटें जीतने के लिए इस इलाके में बीजेपी को 75% स्ट्राइक रेट से चुनाव लड़ना होगा। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कांग्रेस को जब यहां 370 सीटों पर जीत मिली थी तो नॉर्थ ईस्ट से उसे 11 सीटें जीतनी पड़ी थी। अब बीजेपी को भी यहां से 11 सीटें तो लानी ही होंगी, इसके लिए पार्टी ने यहां से 18 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस इलाके में 11 सीटें अगर बीजेपी को जीतनी है तो 62% के स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतना होगा। वैसे आपको बता दें, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट से 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तब उसने 70% स्ट्राइक रेट के साथ 14 सीटों पर अपना कब्जा किया था। यानी एक बार फिर बीजेपी को अपनी पुरानी परफॉर्मेंस दोहरानी होगी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि अभी हमने जो आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं उनमें पॉलिटिकल मैथ्स और केमिस्ट्री का एक मिक्स्ड मॉडल है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव में वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले और भी कई फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। पहला फैक्टर, कांग्रेस ने जब भी 370 का आंकड़ा पार किया है तब उसने देश के पांचों जोन में एक संतुलित माहौल में सीटें जीती हैं। यानी किसी भी इलाके का ग्राफ निम्न स्तर का नहीं रहा, लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। बीजेपी नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो मजबूत है, लेकिन साउथ और ईस्ट में पकड़ ढीली है। दूसरा फैक्टर, कांग्रेस ने जब भी 370 का आंकड़ा पार किया था तो उसे समाज के हर वर्ग का वोट मिला था, लेकिन इन दिनों देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चरम पर है। देश का वोटर बटा हुआ है और मुस्लिम समाज हमेशा से बीजेपी से अलग थलग रहा है। तीसरा फैक्टर है, 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा के मार्जिन से 42 सीटें जीती थी और 2019 में ऐसी सीटें बढ़कर 105 हो गई हैं। यानी बीजेपी का जीत का मार्जिन भी बढ़ा था, लेकिन इस बार जीत के मार्जिन की जगह नई सीटें बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अब अगर चौथा फैक्टर देखें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ इंडिया के 10 राज्यों में एक तरफा जीत दर्ज की थी। अब बीजेपी के सामने उन्हीं सीटों पर पकड़ मजबूत बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, तभी 370 सीटों का टारगेट पूरा होते देखा जा सकता है। तो अंत में आप सबसे एक सवाल, क्या आपको लगता है मिशन 2024 में बीजेपी अपने दम पर 370 और एनडीए गठबंधन के साथ 400 का आंकड़ा पार कर सकती है? आपका जो भी जवाब है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।